अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर माँ बेटी रसोई ब्लॉग्स पर। तो आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी स्वीट कॉर्न। तो पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने 3 कॉर्न लिए हैं स्वीट कॉर्न, दही ली है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, चुटकी भर हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून तंदूरी मेयोनीज। तो चलिए अब हम आपको आगे अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहले हम गैस ऑन करेंगे, फिर इस पर कढ़ाई में पानी रखकर इसमें तीनों स्वीट कॉर्न रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो अब हमारे स्वीट कॉर्न बॉईल हो चुके हैं और जो ये हमारे सारे स्पाइसेस हैं अब हम इसे दही में मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है, अब हम अपने स्वीट कॉर्न पर इससे पॉलिश की तरह कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो गाइस हमारा तंदूरी स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब पापा टेस्ट कर बताएंगे। स्वीट कॉर्न नींबू का इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मुझे ज़रूरत है। और स्वीट कॉर्न वैसे तो सादी भाषा में भुट्टा खाया जाता है, बहुत हमारे गांव देहात में बहुत खाया जाता है, हमने बहुत खाया है और अब भी खाते हैं। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे दांतों को बहुत मजबूत करता है। तो सब इससे ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ पहले है कैसे। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि माँ बेटी की रसोई की रेसिपी को आप इस भुट्टे को भी ट्राई करिए, स्वीट कॉर्न को, और ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और इस जैसे जैसे आपने प्यार दिया है बाकी वीडियो पर, इस पर भी भरपूर प्यार दीजिएगा और ज़्यादा शेयर करिए। अब मैं इसे अच्छी तरह खाता हूँ सारा।